प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने भाषा, हमने कल क्या किया था, भाषा बोध, जो हम कहेंगे पाठ्य पुस्तक का व्याकरण का जो भाग है वो भाषा बोध के अंतर्गत आता है। तो हमने आपको पर्यायवाची की परिभाषा भी बताई थी कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और हमने मिलान का रूप आपको बताया था, तो एक बार फिर से उसको दोहरा लेते हैं। ध्वज का अर्थ होता है पताका, ये नया शब्द है। ध्वज का अर्थ होता है पताका। गिरि का पहाड़, हिम का बर्फ, पथ का रास्ता, जननी का माँ, और प्रण का है प्रतिज्ञा। ये था हमारा पहला प्रश्न, हमने इसका मिलान करो किया था, उसके बाद हमने समान तुक वाले शब्दों को किया था। आपको तुक के बारे में हमने बताया था कि जो समान तुक वाले जो शब्द हैं उसमें हमें तुक मिलाना होता है, और ये तुक वाले शब्द कौन ज़्यादा प्रयोग करता है, कवि। जब कविता लिखने की बारी आती है तो कविता को आकर्षक बनाने के लिए तुक वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे कि हमारे इस कविता में भी, भारत का ध्वज फहराएंगे, इसमें भी तुक वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखवाया है वो आप लिखेंगे। पर्यायवाची में तो मिलान करो तो ये तो दिया ही है, लेकिन जब ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये तुक मिलाओ, तो आप इसे अपने भी शब्दों में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखवाया है। उसके बाद हमने क्या किया, तीसरा प्रश्न हमारा था शब्दों को अलग अलग करके लिखें। हम जानते हैं शब्द बनते हैं वर्णों से। वर्ण क्या है, वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, बताया मैंने, स्वर जो है स्वतंत्र रूप से भी शब्द बना सकता है, या फिर शब्द मात्राओं के रूप में भी शब्द बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यही हमने आपको सिखाया था। जैसे नादान, न में आ की मात्रा है, फिर हमने धन या जमा, जो प्लस का निशान होता है उसको बताया था, धन या जमा होता है, फिर द में आ की मात्रा, फिर न व्यंजन लिखेंगे। तो इस तरह कैसे शब्द बनते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ये था हमारा तीसरा प्रश्न, और आज हम करेंगे अपना चौथा प्रश्न। और इसके बारे में मैंने आपको बता रखा था कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। आप जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज है वो हमारे देश का प्रतीक है, और उसको भी देश की तरह, उसको भी देश का आन बान शान समझा जाना चाहिए। हमारे सैनिक इसी राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब बच्चे क्या कर सकते हैं, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न मैंने आपको बताया था कि यह बच्चों से ही पूछा जा रहा है, बड़े तो जो कर रहे हैं वे करते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसका सम्मान, इसको हमेशा सीधा फहराना चाहिए, खासकर जो बच्चे, कभी कभी हम 15 अगस्त या 26 जनवरी में देखते हैं इस्तेमाल किए हुए झंडों को वे ज़मीन पे गिरा देते हैं, या फटा हुआ जो झंडा होता है उसको फहराना नहीं चाहिए। झंडा हमेशा सीधा फहराना चाहिए, और झंडे का यही सम्मान, इसको धरती पर नहीं गिरने दिया जाता। तो ये मैंने आपको बताया था, आज आपने इसे जरूर इसके ऊपर आपने विचार किया था, और आज हम इसी को लिखेंगे। ये आपके 5वें पेज पे सोचो और लिखो, तो हमारा ये प्रश्न है सोचो और लिखो का। तो मैंने आपको सोचने के लिए भी समय दिया है, सोचो और लिखो, और ये हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हमें कुछ सीखने को मिले। तो शुरू करते हैं इसको आगे करने की। तो प्रश्न ये हमारे, हमें इसको 5-6
पांच पंक्तियां दे रखी हैं, तो पांच पंक्तियों में लिखना है। और ये हम किस में करेंगे? हमारे पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे, क्योंकि जगह भी दे रखा है। तो हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न तो लिख देते हैं। प्रश्न है, हमें यहाँ हमें बच्चों से, बच्चों के लिए कहा गया है, बच्चे हमें अपने राष्ट्रीय, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान। और राष्ट्रीय ध्वज आपको पता ही है, जो तिरंगा झंडा है हमारे देश का, वही हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान सम्मान के लिए क्या करना चाहिए? सम्मान के लिए सम्मान के लिए क्या करना चाहिए? तो ये था हमारा प्रश्न है, और ये वैल्यू बेस्ड। तो शुरुआत करते हैं, हमें कम से कम ये पांच वाक्यों में इसे लिखना पड़ेगा, ताकि ये हमारे जो जगह भी दिया है, पांच वाक्यों का ही जगह दिया है। तो लिखना शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था, ध्वज राष्ट्र का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज जो है, हर देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज है। दुनिया में करीब 200 देश हैं, उन सबका अपना ध्वज होता है, और ध्वज को राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। तो उसको बकायदा पूरा उसका सम्मान किया जाता है, उसको सीधा फहराया जाता है, उसके बाद उसको कभी भी धरती पर नहीं गिरने दिया जाता। और यही ध्वज हमें प्रेरित करता है। ये कहने के लिए तो ये कपड़े का झंडा ही है, लेकिन ये करोड़ों भारतवासियों को प्रेरित करता है और याद दिलाता है कि इसी झंडे, इसी देश के लिए कितने लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में आप जानते हैं, उस समय राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के लोग अंग्रेजों से लड़ जाते थे। तो देश का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ये हमें करना है। ओलंपिक खेलों में आपने देखा होगा, या खेलों में जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, जहाँ एक से अधिक देश जहाँ भाग लेते हैं, वहाँ पे जो खिलाड़ी पदक जीतता है, ओलंपिक में जब पदक जीतता है, तो उस देश का जो ध्वज है उसको सम्मान के साथ फहराया जाता है। तो ये ध्वज एक कपड़े का टुकड़ा ना होकर एक राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है, और राष्ट्र का प्रतीक हमें प्रेरित करता है। तो ये था, हमने आपको ध्वज के बारे में बताया। तो अब लिखते हैं, आप इसे सीधा पाठ्यपुस्तक में लिखेंगे, जगह दिया हुआ है, इसे नोटबुक में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए क्या है? हमें राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए हमें अपने तो ये है उत्तर हमारा, ये मैं उत्तर लिख रहा हूं यहां से, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए के लिए
उसे हमेशा, उसे यहाँ झंडे के लिए प्रयोग किया गया, उसे हमेशा सीधा ही फहराना चाहिए। सीधा ही फहराना चाहिए। उसे कभी भी धरती पर, उसे कभी भी धरती पर नहीं गिरने देना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, ध्वज को कभी भी धरती पर नहीं गिरने देना। अब है उसके अलावा हम भारतवासियों केवल ऐसा काम भी करना चाहिए कि झंडे का सम्मान बना रहे। अगर देश के लोग अच्छा काम करेंगे तो संसार में न केवल भारत का ही, भारत के झंडे की भी सराहना की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ओलंपिक खेलों में जो विजेता देश होता है उसके झंडे को फहराया जाता है। यहाँ तक कि जब पदक भी मिलता है तभी भी विजेता वाला जो देश होता है उसका राष्ट्रीय ध्वज सम्मान के साथ ऊंचा उठाया जाता है। तो इस कारण से अब हम आगे देखते हैं, हम भारतवासियों, हम भारतवासी हम भारतवासियों को सच्चाई और सच्चाई और ईमानदारी और परिश्रम, सच्चाई ईमानदारी और परिश्रम ये अच्छे गुण हैं। सच्चाई ईमानदारी, अल्पविराम ईमानदारी और परिश्रम और परिश्रम से काम करना चाहिए, से काम करना चाहिए। तभी हमारे राष्ट्रीय, तभी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान संसार में बना रहेगा। तभी हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, का सम्मान
संसार में बना रहेगा, संसार में बना रहेगा, पूर्ण विराम। हमें राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए। मैंने बताया राष्ट्रीय ध्वज देश का प्रतीक है, तो अगर उसके लिए हमें, सभी भारतवासियों की बात कर रहे हैं, अगर अपना जान भी देना पड़े तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये हमारी अंतिम, हमें राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए अपने प्राण भी देना पड़े, अपने प्राण भी, प्राण मतलब जान, प्राण भी देना, प्राण का अर्थ है जान, प्राण भी देना पड़े तो वो भी हमें, तैयार रहना चाहिए, तो ये था हमारा सोचो और लिखो। तो हमने सोचा इसके ऊपर, मैंने आपको बताया, और तो हमें ये झंडे से पता चला कि झंडा जो है वो राष्ट्र का प्रतीक होता है। इसके लिए हमें अपना अगर जान भी देना पड़े तो इसके सम्मान के लिए, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे साथ का साथ लिखते जाइएगा, और इसे हम केवल बुक में ही कर रहे हैं। उसके बाद हमारी कुछ गतिविधियां हैं, एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसको आपने नोट कर लिया तो ये हमारा पहले पार्ट का सोचो और लिखो। इन ऐसे प्रश्नों को हम अपने बुक में ही करेंगे, मैंने आपको बताया था, जगह दी हुई है, आपने इसे नोट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये अंतिम प्रश्न है गतिविधियाँ, कुछ इस पाठ से संबंधित गतिविधियों को हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहला वाला, मैंने इसमें से बहुत सी चीज़ें कर भी रखी हैं, तो उसको एक गतिविधि हो आपने कर लिया, नोट कर लिया, मैं बिठा देता हूँ इसको। अब करने की बारी, ये नया प्रश्न अब हमें हर पार्ट में मिलेगा, अब करने की बारी। इसको हम लोग बोलेंगे गतिविधियाँ, इंग्लिश में हम एक्टिविटी बोलते हैं, दे रखा है गतिविधियाँ, इसका अंग्रेजी जो है अनुवाद हम कहेंगे एक्टिविटी। इसमें आपको जैसे चार्ट पेपर पे, ये हमने बनवाया था खासकर ये नए बच्चे जो न्यू एडमिशन है, शायद उन्होंने नहीं किया होगा तो वे इसको करेंगे। रंगीन पेपर पर अपने राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाओ,
और उसके बारे में चार वाक्य लिखो। तो ये बहुत से बच्चों ने कर रखा है, खासकर न्यू एडमिशन वाले बच्चे जो हैं उनको मैं बता देता हूँ। चार्ट पेपर जो है, चार्ट पेपर या ड्राइंग शीट, मैंने आपको बोल रखा था ड्राइंग शीट कन्वीनियंट होता है, उसका फोटो भी क्लिक करके बच्चों ने मुझे भेज रखा है। तो चार्ट पेपर की जगह अगर आप ड्राइंग शीट भी लें तभी भी काम चल जाए। तो चार्ट पेपर पर अपने राष्ट्रीय ध्वज, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो तीन रंगों का बना, तो राष्ट्रीय ध्वज अपने राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाओ। चित्र बनाओ राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाओ और उसके बारे में चार वाक्य लिखो और उसके बारे में चार वाक्य लिखो। तो इस कविता में भारत का ध्वज फहराएंगे, जो हमने बताया इसमें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात किया गया और 15 अगस्त भी कुछ महीनों के बाद आने वाला है। तो इसमें ध्वज बनाना है चार्ट पेपर पे, और आपको पता है हमारे ध्वज को तिरंगा कहा जाता है, तीन रंगों का, ऊपर का जो सबसे रंग होता है वो केसरिया, बीच का सफ़ेद और नीचे का हरा रंग, और इसके ठीक बीचों बीच सफ़ेद जो पट्टी है उस पर अशोक चक्र बना होता है जो नीले रंग से। तो ये हमने इसका चित्र बनाना है और चार वाक्य अपने झंडे। तो झंडे के बारे में हम क्या चार वाक्य लिख सकते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। तिरंगा मतलब तीन रंगों वाला, तिरंगा का क्या अर्थ होता है? तीन रंगों वाला। तो एक ऐसे ही वाक्य लिखना है, मुझे अपना झंडा बहुत प्यारा लगता है, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य आपको लिखने हैं और ये बहुत से बच्चों ने बनाया भी है। अगर आपको चार्ट पेपर पे नहीं तो आप ड्राइंग शीट पे भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि क्लिक करके ईमेल पे सेंड करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये आपने कर लिया, ध्वज बनाना है और उसके बाद ये रंगीन कागज और तीली से राष्ट्रीय ध्वज बनाओ। अब ये था हमारा एक चार्ट पेपर पे या ड्राइंग शीट पे बनाया गया था, अब हमें एक छोटा सा झंडा ही बनाना है। तो उसमें हम रंगीन कागज़ ले लेंगे। कौन कौन से रंगीन कागज़ हैं? मैंने बोला ये, अब इसमें केसरिया रंग का पहले ऊपर पट्टी लेंगे, बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी लेंगे और तीसरा है हरा। ये तीन ही पट्टी जो अलग अलग रंगीन कागज़ हो गए, तीन रंग के कागज़ लिए हमने और उनको आयत की तरह रेक्टेंगल के शेप में ही काटना है, तीनों को चिपकाना है। याद रखना कि तीनों जो रंग हैं उनकी जो मोटाई है, पट्टियों की मोटाई एक बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद एक तीली लगाया जाएगा झंडा जैसे बनाने के लिए, जो सही का झंडा होता है उसमें क्या होता है, एक डंडा होता है, इसके अंदर हम तीली लगाएंगे, क्योंकि हमारा झंडा छोटा है तो उसमें तीली लगाएंगे। और इसको लेके छोटा सा जो झंडा बनेगा उसको लेकर कविता पाठ करेंगे। तो ये कविता पाठ करते समय हाथ में ये छोटा झंडा है, आज मैं आपको ऑनलाइन क्लास में भी इसके बारे में बताऊंगा कैसे बनना है। तो एक ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा, इसको भी नोट कर लेते हैं, ये भी सब बच्चे करेंगे। और ये झंडा हमारे 15 अगस्त करीब 2 महीने बाद
हमारे ये काम भी आ जाएगा। तो रंगीन कागज लेना है इसमें, रंगीन कागज। कागज और तीली से और मैंने बताया तीली जो झंडे का डंडा जो होता है वो बनाने के काम आ रहा है। तीली से राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज बनाओ। और इसे हाथ में लेकर और इसे हाथ में लेकर सब मिलकर कविता गाओ, सब मिलकर कविता गाओ, सब मिलकर कविता गाओ। तो इसके अंदर तरीका मैंने आपको बता दिया। तीन हमें रंगीन कागज़ के टुकड़े लेने और उनको चिपका देना, पहला दूसरा तीसरा, इनकी चौड़ाई एक बराबर होना चाहिए, आयत की तरह रेक्टेंगल की तरह इसका होना चाहिए। और जो ये जो तीली हमने ले रखी है उसको एक कोने में लगा दिया जाएगा, ये हमारी तीली है। तो एक तरह से छोटा सा झंडा हो गया, बीच में अशोक चक्र होता है, ये आपको पता है, हम अशोक चक्र भी बीच में बना लेंगे। और ये हमारा एक छोटा सा झंडा तैयार हो गया कागज़ का, और इसको हाथ पे लेके अपना जो कविता है भारत का ध्वज फहराएंगे, इसका इसका गान करना है। तो बहुत आसान है और ये गतिविधियाँ आपको खुद करनी है, मैंने बता रखा है, ऑनलाइन क्लास में भी बता दूंगा कि कैसे बनाना है। ये अलग अलग रंग के कागज़ हैं, इसमें रंग करना नहीं। पहले वाले में क्या करना था, पहले प्रश्न में हमें चार्ट पेपर पे या ड्राइंग शीट पे ध्वज बनाना, ये छोटा सा झंडा बन रहा है, ये तो झंडे का चित्र बन रहा है, ये दोनों का अंतर आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमें करना है, इसी के साथ ही हमारा ये पहला पाठ पूरा होता है। और अब इसके बाद में हम कल से अपना नया पाठ पढ़ेंगे, नाम है दो दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, आपका गृह कार्य में फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। एक तो है सोचो और लिखो, इसको आपको लिखना है, जो मैंने आज करवाया है उसे याद भी करना, कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चे क्या कर सकते हैं, तो देश के सैनिक जान दे सकते हैं, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, झंडे को सीधा फहराना है, ज़मीन पे नहीं गिरने देना है। तो ऐसी गलतियों से बचना है, खासकर जब हमने देखा है 15 अगस्त के समय या 26 जनवरी के समय झंडा जो छोटे झंडे बाजार में मिलते हैं, इसे इस्तेमाल करने के बाद बच्चे उसको नीचे ज़मीन पे ही फेंक देते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है, इसीलिए अभी सरकार ने पॉलीथीन के झंडों पे भी रोक लगा दी है, क्योंकि वे भी हवा से उड़ करके नालियों में चले जाते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें जो फटे झंडे हैं उनको फहराना नहीं चाहिए, झंडे को हमेशा सीधा फहराना चाहिए, झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब आपको बताया, तो इसको सोचो और लिखो का ये प्रश्न आपको हमारे पाठ्यपुस्तक में लिखना है और याद करना है। उसके बाद एक गतिविधियाँ जो हमने करवाई, इसे आप बड़े मज़े से कर लेंगे, हमें पता ही है, इसके लिए तो आप हमेशा तैयार ही रहें। तो कल हम अपना दूसरा पाठ करेंगे, आज के लिए बस इतना ही।